सब्सक्राइब कीजिए सरोज किचन को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, इससे आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। खट्टा मीठा चिवड़ा बनाने के लिए हम एक पैन में डालेंगे तेल। तेल को चारों तरफ फैला लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मखाने और कम धीमी आंच में इसको हम फ्राई कर लेंगे। मखाने फ्राई हो चुके हैं, अभी इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। इसके बाद इसी पैन में मुरमुरा रोस्ट कर लेंगे, तो लगातार चलाते रहेंगे और गैस की आंच को धीमी रखेंगे। यहाँ पे मुरमुरा भी रोस्ट हो चुके हैं, इसको भी बाउल में निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसी पैन में पोहा को रोस्ट करेंगे। पूरे प्रोसेस में आंच को धीमा ही रखें। पोहा भी रोस्ट हो चुका है, इसको भी हम बाउल में निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसी पैन में एक चम्मच जितना तेल डालेंगे और इसमें डालेंगे हम मूंगफली के दाने और इनको भी हम रोस्ट कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक। इसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, तो मैंने यहाँ पे काजू डाला है और बादाम कट किए हुए डाले हैं। चला लें इनको 1 से 2 मिनट के लिए। और फिर मैंने यहाँ पे किशमिश डाला है और कड़ी पत्ता डाला है और कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है। चला लें इनको। मखाने फ्राई फिर मैंने यहाँ पे डाला है लाल मिर्ची पाउडर, नमक और पिसी हुई चीनी। चला लें इन सारे मसालों को। अभी हम यहाँ पे रोस्ट किए हुए मखाने, मुरमुरा और पोहा डाल लेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर ले। यहाँ पे खट्टा मीठा चिवड़ा बनके तैयार है, इसको हम बाउल में डाल लेंगे। आप इसको एयरटाइट कंटेनर में 1 से 1.5 महीने तक स्टोर कर सकते हो। पहले इसको ठंडा करके फिर एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।